स्टोर रूम? तुम यकीन के साथ कह सकते हो? जी, आज सुबह तनवीर बेगम खुद आई थी मुझसे चाबियां मांगने। मैंने पूछा भी कि आज अचानक ऐसे चाबी क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं चाहिए, वो तो सिद्दीकी साहब ने मंगवाई है उनसे। और क्या कहा उसने? और तो कुछ खास नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी में थी और कहने लगी कि सिद्दीकी साहब बहुत जल्दी में है, तो मैंने सोचा कि वो वहीं गए होंगे। वाह सिद्दीकी साहब, तो अब आपने ये जरिया अपनाया है अपनी बेटी तक पहुंचने का या उसे खुद तक पहुंचाने का। क्यों अपनी पहचान के सुराग देना और उसे ऐसी जगह मिलने के लिए बुलाना चाहा जहां कोई नहीं जाता हो, ताकि किसी को पता ना चले। वाह, खूब चल चली है आपने, लेकिन लेकिन मैं भी ये सब होने नहीं दूंगी। दिलचस्प होता जा रहा है। नहीं, एक तरफ तो बेचारी जोया अपने बाप से मिलने के लिए वहां जा रही है, और दूसरी तरफ हमारी बाजी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बाजी भी वहीं जा रही है, और हमारी बाजी तो उन दोनों को कभी मिलने ही नहीं देगी। बस बहुत हो गया, आज सारे खेल खत्म हो जाएंगे। हेलो, देखो तुम जो कोई भी हो प्लीज मेरे सामने आओ, और ये खेल खेलना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए खेल हो सकता है, मेरे लिए मेरी लाइफ है। आई बेग यू, मेरी लाइफ के साथ, मेरी इमोशंस के साथ खेलना बंद करो प्लीज। देखो अगर तुम मेरे अब्बू के बारे में जानते हो ना, तो प्लीज मुझे बताओ। कमाल की चाल चली आपने सिद्दीकी साहब। कौन है? प्लीज मेरे सामने आओ। मैं आपकी आरज़ू कभी पूरी नहीं होने दूंगी सिद्दीकी साहब। इससे पहले कि आप यहां आकर अपनी असलियत सोया को बता दें, मैं इस बाप बेटी के दर्दनाक खेल को खत्म कर दूंगा।
अपनी तस्वीर दी ही थी। चाहती है कि जोया को उसके बाप की असलियत पता चले। अब देखिए, आप भले ही हमें पराया समझे, लेकिन आप हमारे लिए हमेशा खास थी और हमेशा रहें। इसीलिए तो हमने जोया के सामने सिद्दीकी साहब की असलियत जाहिर नहीं होने दी। हाँ, ये बात और है कि सिद्दीकी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो हम हैं कि हमें वक्त रहते पता चल गया और हमने वो तस्वीर बदल दी। ये देखिए, इस तरह मजबूर नहीं देख सकता। और यूं इस तरह साए के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये लगता है कोई मजाक था, घटिया मजाक। प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए अपने आप को। तो क्या करूं मैं मिस्टर खान, बताइए। चाहे एक मजाक था, घटिया मजाक था, अगर कोई मुझसे कह रहा है कि वो मुझे मेरे अब्बू से मिला देगा तो मैं क्यों ना जाऊं? बताइए मैं क्यों ना जाऊं? आप मिली उनसे?
देख पाई उन्हें? नहीं ना, हम घूम फिर के वहीं आ पहुंचे जहां से हम चले थे। नहीं मिस्टर खान, इस बार नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं इस बार दोबारा उन अंधेरों में नहीं जाऊंगी जहां से मैंने इस तलाश की शुरुआत की थी। इस बार तो मैं सच्चाई का पता करके रहूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं जान के रहूंगी ये सब कुछ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, वो तेरी सारी मुरादें पूरी करेगा। अल्लाह तेरा भला करे। अगर कुछ दिल में है तो मांग ले। बाबा हमारे दिल में तो एक ही ख्वाहिश है, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी दुआ सुन ले। मैं जरूर दुआ करूंगा। तेरी ख्वाहिश क्या है? बस मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे बाबा। हमारी बच्ची तो ये भी नहीं जानती कि उसके अब्बू कौन है, और हम उसे बता भी नहीं सकते। अपनी गुनाहों की वजह से हमें उसे उस उम्र में छोड़ना पड़ा जिस उम्र में एक बच्चे को अपने अब्बू की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज हम चाहकर भी बाबा उसे उसकी मदद नहीं कर सकते। अगर उसे ठोकर लगे तो हम उसे सहारा नहीं दे सकते। बाबा हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। और हमारे गुनाहों का साया कभी हमारी बेटी की जिंदगी पर ना पड़े। नाम क्या है तेरी बेटी का? उसका नाम जुया है बाबा, जुया। मिसेस खान रिलैक्स प्लीज। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं मिस्टर खान, आप समझ नहीं रहे हैं। बताइए कैसे रिलैक्स हो जाऊं? जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि मेरे अब्बू कौन है, मैं रिलैक्स नहीं हो सकती। आप जानते हैं कितने सालों से ये दर्द मेरे सीने में? आप जानते हैं कितना बुरा लगता है जब ये रियलाइज होता है कि मेरी कोई पहचान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। मानती हूँ मेरे पास फैमिली है, लेकिन मेरा किसी के साथ खून का रिश्ता नहीं है। बाप अगर मर जाए ना मिस्टर खान, तो भी उसका नाम ताउम्रिस्तान चलता है। मैं तो वो भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरे बाप का नाम ही नहीं पता। जानते इतने सालों से कितनी नजरें मेरी तरफ इस सवाल से उठी कि जोया के अब्बू कौन है, लेकिन मैं कभी उन्हें जवाब नहीं दे पाई क्योंकि जोया ही नहीं जानती कि उसके अब्बू कौन है। कुछ नहीं जानती मैं अपने अब्बू के बारे में, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली के बारे में। सिर्फ बचपन की कुछ धुंधली यादों के अलावा मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर खान, कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ ये सब, पर आप भी समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर खान।
कि चाहे जो कुछ भी था, मजाक था, हकीकत था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ भी था मैं इसका एक हिस्सा बनूंगी। अगर ये मजाक था तो भी कोई बात नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे किसी के इशारों पे नाचना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये हकीकत हुई तो सोचिए मिस्टर खान, मुझे मेरे अब्बू मिल जाएंगे, मेरे बरसों की तलाश पूरी हो जाएगी, मुझे मेरी पहचान मिल जाएगी मिस्टर खान। हमेशा हमारे आंखों के सामने रहती है, लेकिन हम उसे ये नहीं बता सकते कि हम उसके अब्बू हैं। हम उसे अपने सीने से लगाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर उसके आंखों में आंसू आए तो हम अपने हाथों से उसके आंसू पोछना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते बाबा, कुछ नहीं। हम तो एक लाचार बाप हैं जिसे वो ढूंढ रही है, लेकिन हम उसके सामने जाकर ये भी नहीं कह सकते कि सोया बेटा हम तुम्हारे अब्बू हैं। बाबा हमारी बच्ची की दुआ कीजिए। चल चुटकी। मेरी अपनी चुटकी। मेरी बहन। वेल डन चुटकी। इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। छुटकी सिद्दीकी साहब की तो बेटी थी, जैसे मैंने सोचा कि मर चुकी है, जिस छुटकी की याद को मैंने इतने सालों से सीने से लगा कर रखा था, उमर वो जिंदा। मेरी छुटकी जिंदा। मेरी बहन जिंदा। मैं किसी की बहन नहीं हूं, मैं किसी की बेटी नहीं हूं, कोई मुझे अपना बुलाने वाला नहीं है, और किस्मत पहले दिन से मेरे साथ ये मजाक खेलती आ रही है, इस तरह खेल खेलती आ रही है मेरे साथ। मेरा अपना कोई नहीं है इस दुनिया में मिस्टर खान, मैं एक यतीम हूं और कुछ नहीं। किस्मत में कैसा कैसा मजाक करती है। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए बेखबर थे कि सोया ही मेरी छुटकी है। आपके अब्बू आपको जरूर मिलेंगे, और जब रात बहुत बहुत काली हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सुबह होने वाली है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, और आखिर उनकी सारी दुआएं कबूल कर लेता है। आपकी दुआ भी कबूल होगी, आप बस हिम्मत ना हारिए। हाँ जोया, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब जल्द मिलेगा और जरूर मिलेगा। अब बस हौसला बनाए रखिए, दिल छोटा ना कीजिए। क्या पता हो सकता है कि आपके सारे जवाब खुद ही आपको ढूंढते हुए आपके पास चले आए। छुटकी ये जानकर कितनी खुश होगी, मैं उसे अभी बता दूंगा।